हाय फूडीज, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से एक नई रेसिपी लेके आपके साथ आई हूँ, और ये है अमेरिकन स्टाइल क्रिस्पी कॉर्न, जो बारबेक्यू स्टाइल भी बोल सकते हो आप इसको। और इसको बनाना बहुत इजी है, कुछ टिप एंड ट्रिक्स हैं जिसके से हम इसे घर पे इजीली बना सकते हैं और खा सकते हैं, और इस समय हमें ये चीज़ें बहुत मिस होती हैं। तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये 3 कप कॉर्न लिया हुआ है मैंने, और इसके लिए मैंने 1 लीटर पानी लिया हुआ है। इसको बॉईल कर लिया है, पानी बॉईल हो रहा है हमारा, और इसमें मैं ये कॉर्न डाल देती हूँ। हमें पहले कॉर्न बॉईल करने हैं। हमें इन्हें 4 to 5 मिनट्स तक बॉईल करना है अच्छे से। और इसमें मैं थोड़ा सा ये सॉल्ट डाल दूंगी। हम इसे 4 से 5 मिनट तक अच्छे से बॉईल कर लेंगे। कॉर्न जो है अभी बॉईल हो गया है और मैंने गैस बंद कर दिया। मैं इसको स्ट्रेन कर लेती हूँ। ये हमें अच्छे से हमारा बॉईल करना है। फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा कॉर्न बॉईल हो गया है, और अब मैं इसमें जो स्पाइसेस और जो डालना है वो सब चीज़ें डालती हूँ। ये है मैंने 6 टेबल स्पून ये कॉर्नफ्लोर लिया है, तो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम ऐड करेंगे। और जब हमने कॉर्न बॉईल किया है उसके बाद ही हमें ये सब चीज़ें इसमें डालनी हैं, क्योंकि तब इसमें मॉइस्चर रहता है। ये 2 टेबलस्पून मैंने मैदा है, तो पहले मैं 1 डालती हूँ इसमें। ये 2 टेबलस्पून ही इसमें राइस फ्लोर है, ये भी मैं पहले 1 डालती हूँ। इसमें हम थोड़ा सॉल्ट डालेंगे, ब्लैक पेपर थोड़ा सा, रेड चिली, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो इन सबको पहले हम मिक्स कर लेंगे। ये मैंने सारा मिक्स कर लिया है, और इसमें मुझे कॉर्नफ्लोर अभी कम लग रहा है, तो मैं जो थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और है उसमें से डालती हूँ, और थोड़ा मैं इसमें राइस फ्लोर भी है, और थोड़ा सा इसमें मैदा। ये सब अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं, और फिर इसके बाद एक बार हम इसको छानेंगे, क्योंकि जितना हमारे कॉर्न पे कोट होना है वो कोट हो जाएगा, बाकी एक्स्ट्रा सब निकल आएगा। नहीं तो हम जब डीप फ्राई करेंगे तो उसमें ये सारा ऑयल में जाएगा हमारा। अब हम इसको छान लेते हैं इसमें, तो जो हमारा एक्सेस है वो सब निकल जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके हम छान लेते हैं इसको। देखिए, ये मैंने इसको सब अलग कर लिया है, उसमें से छान लिया है, और हल्का सा एक पानी का हाथ आप इस पे लगा लीजिए, तो जो है वो इस पे कोट हो जाएगा। ऑयल हमारा गरम हो गया, और इसको हमें बहुत तेज गरम नहीं करना है, वरना कॉर्न एकदम से फ्राई होते हो और फटने लगेंगे। तो हम 1 या 2 कॉर्न पहले डाल के देखते हैं। हाँ देखिए हमारा दी, और इसको गैस को मैंने थोड़ा स्लो कर दिया है अभी। अब मैं इसमें धीरे धीरे थोड़े कॉर्न डालती हूँ। ये देखिए मैंने इसमें तेल में डाला, तो ये थोड़ा सा इसमें स्प्रिंग होने लगा, फटने लगा। तो मैंने जस्ट ये थाली ऐसे रख के भी हम कर सकते हैं, ताकि हमारे ऊपर ना आए, और ये एक बार सिकने लगेगा फिर नहीं ये उछलेगा तेल में से। अब हम इसे थोड़ा थोड़ा धीमी धीमी आंच पे ही सेकेंगे। अब ये देखिए ये पूरा जैसे सिक चुका है, तो अब ये फटेगा नहीं। पर जब आप स्टार्टिंग में डालें तो बहुत ध्यान से डालें, क्योंकि कॉर्न बहुत जल्दी उछलता है, तो आप प्लेट की सहायता से कर सकते हैं। अब हम इसे थोड़ा गैस तेज कर लेते हैं क्रिस्पी करने के लिए। 1-2 मिनट इसे फुल फ्लेम पे सेक लेंगे, पर जिस समय हमें ऑयल में डालना है कॉर्न, हम गैस बिल्कुल स्लो रखेंगे। देखिए ये हमारे कॉर्न सिक गए, और मैंने इनको 2 या 3 मिनट फुल फ्लेम पे सेका है, फिर ये नहीं फटेंगे बिल्कुल। अब मैं इसे सबको निकाल लेती हूँ। ये बिल्कुल पर्ल जैसे लग रहे हैं, इतना अच्छा लगता है ये चाट। फ्रेंड्स, ये हमारे कॉर्न रेडी हैं, और मैंने इनको बहुत क्रिस्प होने तक ही फ्राई किया है। तो आप फ्राई करते समय बस एक चीज़ का ध्यान रखें, कि इसको बिल्कुल स्लो गैस पे हमें डालना है, और जब हमारा उसमें थोड़ा फ्राई होने लगे तो हमें फुल फ्लेम कर देनी है। तो अब मैं इसमें जो स्पाइसेस ऐड करने हैं और इसको जो चटपटा बनाना है उसके लिए मैं डाल देती हूँ इसमें। ये नमक है थोड़ा, क्योंकि नमक इसमें कम था। ये हम थोड़ा इसमें ब्लैक पेपर, क्योंकि हमें थोड़ा सा अच्छा सा चटपटा बनाना है। ये रेड चिली आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये चाट मसाला, ये मेरा होममेड चाट मसाला है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये मैंने एक छोटा अनियन है, ये ऑप्शनल है, ये इसमें डाल देती हूँ मैं। और ये एक लेमन का जूस है, तो मैं इसको थोड़ा पहले थोड़ा ही डालती हूँ, फिर हम टेस्ट करके डालेंगे। ये कोरिएंडर, और हम इसे अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं। तो हमारा कॉर्न चाट रेडी है,
रेस्टोरेंट स्टाइल, आप जो बारबेक्यू या कहीं भी खाते हैं बहुत अच्छा लगता है। देखिए इसमें से आवाज़ भी आ रही है क्योंकि इतने क्रिस्पी हो गए हैं कॉर्न। और बहुत चटपटा मज़ेदार डिश तैयार है आपकी। ये देखिए हमारा क्रिस्पी कॉर्न रेडी है फ्रेंड्स। ये देखिए हमारा क्रिस्पी कॉर्न बारबेक्यू स्टाइल बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। और आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और इसको बनाइए और मुझे ज़रूर बताइए कि कैसा बना है। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।